हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सब जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पे भी अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। और गाइज आज का जो नोटिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज का नोटिफिकेशन जो है NLC इंडिया लिमिटेड के अंदर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ओन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट FTA बेसिस फॉर तालभीरा प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर ये चल रहा है। अगर आप NLC इंडिया लिमिटेड के अंदर देखोगे तो एक ये नवरत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे काम करता है। यहाँ पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जिसमें से आपके लिए जो रिलीवेंट वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर वैकेंसीज है 5। टोटल सैलरी है 38,000। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इन्होंने मांगा है फुल टाइम पार्ट टाइम डिप्लोमा और मिनिमम 3 ईयर अगर आपका है सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही अगर आप देखो गाइस तो जूनियर इंजीनियर जो मैकेनिकल है उसमें 2 वैकेंसीज है, 38,000 सैलरी है। और अगर आपका फुल टाइम और पार्ट टाइम डिप्लोमा है मैकेनिकल से तो आप यहां पर भी एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखो गाइस तो 1 वैकेंसीज है, 38,000 यहां पर भी आपकी सैलरी देखने को मिल रही है। और आप यहां पर भी अगर आपका पास है फुल टाइम पार्ट टाइम डिप्लोमा है मिनिमम 3 ईयर के साथ तो आप यहां पर भी एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है EWS OBC SC ST कैटेगरी के लिए, तो ये डायरेक्टली आपको जनरल में ही अप्लाई करना है। ये एक स्पेसिफिकली यहाँ पर रूल भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्रूशियल डेट जो है वो आपकी 1 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आया था और इसके बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर रहेगी। तो जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ के हिसाब से आपकी मेंशन रहेगी। अगर आप अपर एज लिमिट देखो तो जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी 30 ईयर फॉर जनरल EWS है, OBC के लिए 30 है, SC के लिए भी 30 है, ST के लिए 35 है। अगर आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में देखोगे सेम तरीके से है, बस ST के लिए 30 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर SC के लिए 30 है। तो अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पर कंपनसेशन पैकेज जो है वो आपको प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटी, जितने भी अदर जो आपको बेनिफिट्स है TA DA हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है। इसके बाद अगर आप गाइस आगे अगर आप इस नोटिफिकेशंस में देखो तो जो PWD के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी यहां पर कुछ जो है वो यहां पर बेनिफिट है। डेफिनेटली आप इसका यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेथड ऑफ सिलेक्शन देखें तो गाइज इनका एक रिटर्न टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन पेपर रिटर्न टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, आपको कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आप रिटर्न टेस्ट देखें तो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इनका 30 मार्क्स रहेगा। सब्जेक्ट का नॉलेज का देखेंगे 70 मार्क्स रहेगा। टोटल अगर आप देखेंगे 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। अगर आप रिटर्न टेस्ट MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपका यहां पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहां पर 100 रहेंगे, तो आप इसको भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट पर जाना चाहते हैं। तो दोनों का ही सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिला हुआ है। अगर मान लो कोई भी यहाँ पर मतलब पेपर में कुछ मिस्टेक्स आ जाती है क्वेश्चन में तो उस केस में बोनस मार्किंग मिलते हैं, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा भी गाइस कुछ रूल्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। अप्लाई करने के लिए आपको NLC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है। जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो सारी डिटेल्स आप जब मेंशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप F1S ग्रेड का देखोगे तो 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फीस नहीं है एप्लीकेशन फीस, लेकिन प्रोसेसिंग फीस इनकी 295 है, इनकी भी 295 है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले ग्रेड में आपको टोटल 595 पे करना होगा अगर आप जनरल EWS OBC से हो, 295 पे करना होगा अगर आप SC ST PWD से हो। और F2W ग्रेड जो है उसमें 250 प्लस 236 आपका प्रोसेसिंग फीस, तो 486 आपको यहाँ पर पे करना होगा। SC ST PWD में 236 आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो गाइस जिस तरीके से आपकी फीस रहेगी, इसके अलावा जो भी अगर आप देखोगे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की साइज क्या होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए, GPG में होनी चाहिए, वो सारी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट देखो तो 25 मार्च से हो रही है, लास्ट डेट 24 अप्रैल 2024 है। ऑनलाइन पेमेंट भी आपको 24 अप्रैल से पहले करने पड़ेंगे। उसके अलावा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वगैरह वो भी 25 के हिसाब से आपके यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद अगर आप गाइज आगे देखोगे तो NLC का जो है वो आपको यहाँ पर एक फॉर्म भी देखने को मिल रहा है। तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन सर्टिफिकेट जो है उनके लिए ऐसा एक फॉर्म रहेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के अगर आप देखोगे तो जो भी आपका सिग्नेचर
टीचर्स है, जो मेंबर फैमिली मेंबर्स अवार्डेड है, वो सारा यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हिसाब से यहाँ फॉर्म दिए हुए हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आपको दिखेगा। तो आप इनका जो पोर्टल है उस पर विजिट करके आप वहाँ से इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है, फॉर्म भरने के सारे स्टेप्स भी इन्होंने बता रखे हैं। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है गाइज मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी बच्चा इसमें एलिजिबल है, आप लोग जल्दी से जल्दी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिएगा और अपना फॉर्म को फिल करिएगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, 38,000 के आसपास सैलरी है, तो आप लोग इसमें अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो। बाकी इसका सिलेबस क्या रहेगा, बाकी और भी कोई अपडेट आएगी तो वो जब आएगी वो वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों की अपडेट दे दूंगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें कई सारे जो बच्चे हैं वो इसकी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।